ब्रॉट टू यू बाय खाता बुक। बुलंदशहर के थाना छतारी इलाके में 21 जनवरी को एक 16 साल की लड़की की लाश मिलती है। हत्या गोली मारकर की गई। परिवार वालों ने गैंगरेप का आरोप लगाया। मामला तब और संवेदनशील हो गया जब उनकी तरफ से यह कहा गया कि हाथरस की तरह यहां भी यूपी पुलिस ने शव को जबरन रात में जलवा दिया। इस खबर पर राष्ट्रीय मीडिया की नजर पड़ी 1 फरवरी को, जब राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट किया, लिखा, यूपी को दहलाने वाली खबर एक बार फिर, योगी सरकार पीड़ित परिवार के साथ न होकर रात में दाह संस्कार करा रही है ताकि जघन्य अपराध पर प्रकाश न डल पाए। भाजपा के लोगों ने कहा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, योगी सरकार पर इल्जाम मत मढ़िए। पुलिस ने क्या कहा यह भी बताएंगे, पर पहले घटना के और ब्यौरे जान लीजिए। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ 1 फरवरी को परिवार वालों ने विरोध जताया, एसएसपी कार्यालय का घेराव किया और आरोपियों के लिए फांसी की मांग की। पुलिस आई है आपके यहाँ, किस तरह से आश्वासन दिया आपको? वो तो नो कह रहे हैं कि तुमको न्याय दूंगा, जब ते न्याय ना दो, अब कह रहे हैं कि न्याय देंगे। मैं तो फांसी की कह रही हूँ, फांसी दे दे, फांसी की सजा करा देंगे हम इसमें। फांसी दे दे भाई, फांसी 12 दिन आते तुम कोई ना सुनने मेरे। अब संतुष्ट हो पुलिस से? अब पुलिस से नो हूँ, भगवान फांसी दे दे तो संतोष ही बन जाए वो को, और मैं 12 दिन आते बेकायदे फिर बेकायदे तो फिर वो को छीना है। ऐसी बात नहीं, तो भैया मैं तो तुम्हारे ही ऊपर हूँ। सब वो किया जाए। अब यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा था तो सामने आए बुलंदशहर के एसएसपी और उन्होंने मामले का दूसरा वर्जन दिया। सोशल मीडिया पर कतिपय ट्विटर चलाने वाले लोगों के द्वारा थाना छतारी की एक घटना को बहुत ही गलत तरीके से और बिना तथ्य के अलग अलग तरीके से ट्वीट किया जा रहा है। घटना का क्रम यह है कि 21 जनवरी की घटना है। थाना छतारी के धाराऊ गाँव के एक सौरभ शर्मा का प्रेम प्रसंग थाना डिबाई के गालीपुर गाँव की एक लड़की के साथ था। उस लड़की का ननिहाल धाराऊ गांव में है जहां से इन दोनों के बीच संपर्क हुआ था। लड़की ननिहाल में न रह करके अपने मूल गांव गालीपुर में रहती है। दोनों गांव के बीच में लगभग 15-16 किलोमीटर के बीच की दूरी है। 21 जनवरी को लड़का और उसके एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गांव से धाराऊ गांव आई। धाराऊ गांव में एक ट्यूबवेल पर ये लोग गए जहां पर लड़के के द्वारा लड़की की गोली मार के हत्या कर दी गई और अपनी गर्दन और अपने हाथ की नसों को ब्लेड से काटा गया। जानकारी होने पर उसे इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा गया जहां इलाज के बाद वो बच गया और उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। परिवारजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर बिना किसी तरह का छेड़छाड़ किए अभियोग दर्ज किया गया था। पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद परिवारजनों द्वारा अपनी मर्जी से स्वतः गंगा घाट कर्णवास पर लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। मीडिया में कतिपय ट्विटर चलाने वाले लोगों द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि पुलिस ने रात में जबरन अंतिम संस्कार कराया। इस संबंध में कहना है कि कोई भी पुलिसकर्मी अंतिम संस्कार के समय मौके पर मौजूद नहीं था। किसी के पास कोई वीडियो भी नहीं है, नहीं तो लोग वीडियो भी ट्वीट करते, लेकिन केवल सनसनी पैदा करने के इरादे से कतिपय लोग ट्विटर हैंडल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग बता रहे हैं। उनके मुताबिक मृतक लड़की और आरोपी युवक सौरभ शर्मा के बीच संबंध थे। पुलिस की तरफ से ये बात बार बार आ रही है। पुलिस की थ्योरी है दोनों साथ में गांव के पास के ट्यूबवेल पर गए, झगड़ा हुआ, वहीं पर लड़की को गोली मारी गई, साथ में आरोपी सौरभ ने अपने हाथ और गले की नस काट ली। लेकिन परिवार का कहना है ऐसा नहीं हुआ। लड़की के मामा की तरफ से पूछा गया कि प्रेम प्रसंग होता तो गोली मारने की नौबत क्यों आती। उनका आरोप है कि सौरभ और उसके 3 साथी जबरन लड़की को उठा कर ले गए और वहां उसके साथ कुछ गलत हुआ जिसका विरोध लड़की ने किया। लड़की के मामा का यह भी आरोप है कि मामला बढ़े नहीं इसलिए पुलिस ने दबाव बनाकर रात में ही अंतिम संस्कार करवा दिया, जबकि एसएसपी का दावा है कि अंतिम संस्कार के वक्त वहां पर पुलिस वाला कोई भी मौजूद नहीं था। अब ये 2 पक्ष हैं, एक पीड़ित पक्ष, एक पुलिस का पक्ष। जांच के बाद फैसला कोर्ट करेगा। पर एक पक्ष और है, चुनाव का पक्ष। इसमें सियासत की एंट्री होती है। बुलंदशहर में प्रचार के लिए आज पहुंची थी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी। वो पीड़ित परिवार से भी मिलने पहुंची और वहां पर उन्होंने पुलिस को कटघरे में खड़ा किया। यहाँ पे पुलिस और प्रशासन ने जो हुआ है उसको दबाने की कोशिश की है पूरी तरह से, जो मुझे परिवार के सदस्य बता रहे हैं, पूरी तरह से उसको दबाने की कोशिश की है। जिस तरह से हाथरस में अंतिम संस्कार किए गए थे लगभग उसी तरह से यहाँ पे किया गया है। इन पर दबाव डाला बीच रात में अंतिम संस्कार करने के लिए, और
परिवार वाले बिल्कुल असंतुष्ट हैं। कल रात तक FIR में इन्होंने जो धाराएं लगानी थी वो भी नहीं लगाई। अब मुझे पता चल रहा है, हमारे प्रत्याशी जी कह रहे हैं कि इनको बताया गया है कि कल रात को जब इनको पता चला कि हम लोग आ रहे हैं यहाँ, तब शायद इन्होंने हो सकता है कि कुछ धाराएं ऐड की हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। FIR की कॉपी अभी परिवार को नहीं मिली है, डरे हुए हैं, कह रहे हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन मिली हुई है। और एक यहाँ के कोई अनिल शर्मा जी जो है, उनका बार बार लगातार फ़ोन आ रहा था पुलिस को जिस समय ये सारा हुआ, तो उनको शक है कि शायद उनका कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट है किसी स्तर पर, और इसको दबाया जा रहा है पूरे मामले को। हमने उनको ये आश्वासन दिया कि हम इस मामले को दबने नहीं देंगे, जो लड़ाई लड़नी है हम उनके साथ खड़े हैं, हम लड़ेंगे और न्याय इनको मिलेगा। बुलंदशहर में आज सिर्फ प्रियंका गांधी ही नहीं थी, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और RLD नेता जयंत चौधरी भी थे। उन्होंने भी यूपी की कानून व्यवस्था पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया। बुलंदशहर की घटना आज पूरे उत्तर प्रदेश को चिंतित कर रही है, और खासकर बेटियां बहन ये सोच रहे हैं कि लगातार सरकार ने यह कहा कि कोई भी बेटी अगर 12 बजे भी घूमना चाहेगी तो कहीं उसके साथ कोई घटना नहीं होगी। और सरकार के केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दिल्ली से गृह मंत्री से लेकर के जितने भी सरकार के लोग हैं ये बताने में कहीं चूक नहीं कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है। लेकिन लगातार जो घटनाएं हो रही हैं और आपके जिले में जो घटना हुई है वो हाथरस की घटना को याद दिलाता है। एक हृदय विदारक घटना यहां बीती है। मैं उस पीड़ित परिवार, हम सब की ओर से उस पीड़ित परिवार की तरफ के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं, और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आएगी जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए ऐसे जघन्य अपराधों के लिए, और ऐसे जघन्य अपराध रचने वालों को सख्त से सख्त कानूनी सजा मिलनी चाहिए। तो ये विश्वास दिलाता हूं कि जब सरकार आएगी और हम जिस तरह का परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिस तरह की व्यवस्था, जिस तरह की गवर्नेंस, सुशासन जनता को देना चाहते हैं कि महिला सुरक्षा पर बड़ी पहल कर उत्तर प्रदेश में व्यावहारिक परिवर्तन हम लाएंगे। ये तो विपक्ष की बात हो गई। इत्तेफाक देखिए, सत्ता पक्ष के एक शीर्ष नेता देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आज बुलंदशहर में थे, और उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार के दौरान प्रदेश में कानून का राज कायम हुआ। सुनिए गृह मंत्री को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश माफियाओं से परेशान, आलिया मालिया जमालिया निकल कर आते हैं, हमें परेशान करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मित्रों, आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी माफिया की हिम्मत है बहन बेटी को परेशान है क्या? जोर से बोलो है क्या? और जोर से बोलो है क्या? मित्रों, 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन में माफियाओं का पलायन हो गया है, पलायन हो गया। आपने सब बयान सुन लिए। अब बस इतना याद रखिए कि प्रथम चरण में, पहले फेज में बुलंदशहर में भी चुनाव होना है 7 सीटों के लिए। तो आपको एक संदर्भ नजर आएगा। तथ्यात्मक चीजें ये हैं कि पुलिस ने मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है, बाकियों की तलाश जारी है। लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले में गैंगरेप की धारा नहीं जोड़ी है, और इसी पर परिजनों और पुलिस के बीच ये विवाद चल रहा है।